A very good morning. This is Mukul Yudhvir Singh, and this is the fifth episode of MOVE's Ecosystem Dialogues. Today, we're going to be focusing on the EV chargers ecosystem in India. And joining us for the same is Mr. Raman Bhatia, who is Managing Director, Servotech Power Systems. Mr. Bhatia, if you could please join us. Hello. A very warm welcome to you. Yeah. Thank you. Perfect. Raman sir, before we go ahead and go into this discussion, I would want you to tell our audience about yourself and what you do at Servotech Power Systems. मेरा नाम तो आपने बता ही दिया है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ. माय नेम इज रमन भाटिया. आई एम अ पर्सन हु हैव स्टार्टेड दिस Servotech Power Systems लिमिटेड. नाउ इनिशियली इट वाज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. वी हैव स्टार्टेड अवर करियर विद दिस कंपनी एज अ पावर कंडीशनिंग प्रोडक्ट, बट आफ्टर 2009 वी हैव स्टार्ट फोकसिंग ओनली दोज प्रोडक्ट्स हु हेल्प टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग. तो जितने भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करेंगे, हम सिर्फ वही बनाएंगे. ये हमने फिक्स कर लिया और हमारी कंपनी की पंचलाइन हो गई, प्रोड्यूस ग्रीन टू लिव ग्रीन. देन उसके बाद लाइटिंग हम लोग कर रहे थे, एलईडी लाइटिंग, एनर्जी एफिशिएंसी एफिशिएंट लाइटिंग की हम बात करते हैं. सोलर प्रोडक्ट्स हम लोग कर रहे हैं. देन हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जर्स में आ गए हम 2016-17 में, जब ई रिक्शा का जमाना आया. क्योंकि चार्जर्स और पावर से तो शुरू से ही नाता रहा है हमारा, अगर हम कहें तो कंपनी के बचपन से ही. 2017 में हम लोग लिस्ट हो गए. अभी हम NSE के प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड हैं, जिसमें हमने लास्ट 3 सालों में अगर हम देखें तो लगभग 25 गुना से ज़्यादा की रिटर्न हमने अपने शेयर होल्डर्स को दी है. हमारी कंपनी का जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम इंडिया में रहते हुए ये समझा पाएं या ये साबित कर पाएं कि हिंदुस्तान की MSME कंपनीज भी इंडिया में ग्लोबल प्रोडक्ट बना सकती हैं, एप्पल के लेवल के प्रोडक्ट बना सकती हैं और चाइना के FOB प्राइस पे हिंदुस्तान को भी और ग्लोबल को भी सप्लाई कर सकती हैं. इस मोटिव के साथ, इस ऑब्जेक्टिव के साथ और इस गोल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इस दिशा में काम कर रहे हैं. और अभी हमारा टारगेट यह है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर में बहुत इकोनॉमिक, बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत कम प्राइस पे हिंदुस्तान को भी और ग्लोबल को भी सप्लाई कर पाए बढ़िया से बढ़िया चार्जर्स. और इसके लिए अभी हमने लास्ट एक एग्रीमेंट MOU साइन किया है UP गवर्नमेंट के साथ कि हम लगभग 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे EV चार्जर्स की मैन्युफैक्चरिंग में. और हम उस दिशा में काम करना हमने शुरू कर दिया है ऑलरेडी और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं. साथ ही साथ हम इस इकोसिस्टम के दूसरे पार्ट में भी आ गए हैं, जिसको कहते हैं CPO बिजनेस, दैट मीन्स चार्ज पॉइंट ऑपरेटर. तो अभी Servotech ने ये डिसाइड किया है कि उनकी एक सब्सिडरी, हमारी एक सब्सिडरी इस दिशा में काम करेगी और बहुत सारी कंपनीज के साथ और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ हम लोग टाई अप कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदुस्तान भर में अगले 3 से 5 सालों के अंदर लगभग 5,000 चार्जिंग स्टेशंस डिप्लॉय करेंगे पैन इंडिया. और वो कंपनी Servotech की सब्सिडरी होगी, जिसका नाम है Servotech EV इंफ्रा लिमिटेड. अभी प्राइवेट लिमिटेड है वो. तो ये है हमारा बैकग्राउंड और ये है हमारा थॉट प्रोसेस, जो मैं आपके सभी व्यूअर्स से शेयर करना चाहता था जी. थैंक यू रमन सर. जहां तक लास्ट टाइम जब मेरी आपके साथ इंटरेक्शन हुई थी, तो उस टाइम आई थिंक आपका जो ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलिंग बिजनेस था, लार्ज पार्ट ऑफ इट वॉज फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के साथ आप बहुत ज्यादा बिजनेस कर रहे थे, right. तो क्या अभी भी इस या इक्वेशन क्या अभी भी वही सेम है जो पहले थी, या कुछ चेंज हुआ है फॉर योर ईवी चार्जर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल? हाँ, ईवी चार्जर का जो बिजनेस है उसका एक मेजर पार्ट बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट ही इनिशिएटिव लेती है. जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम बनाने की, तो गवर्नमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज्यादा इनिशिएटिव लेती है. और मेरा तो ये मानना है कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके के इनिशिएटिव्स किसी भी फील्ड में गवर्नमेंट की तरफ लिए गए हैं, वो शायद पिछले बहुत सारे सालों में नहीं लिए गए होंगे. ऐसा मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि नहीं लिए गए होंगे, क्योंकि मैं उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था इस इकोसिस्टम में, या तो हम बहुत छोटे थे या हमें उतनी समझ नहीं थी. लेकिन जो हम समझदार हुए, या जब से हमने
इस इकोसिस्टम का पार्ट बनना शुरू किया है एज अ बिजनेसमैन या एज अ कंपनी या एज अ ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने मेजरली इसी गवर्नमेंट को देखा है और हमने देखा है कि ये बहुत तेजी से काम हो रहा है हर एरिया में, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, चाहे वो लाइटिंग की बात करें, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, किसी भी एरिया में बात करें, तो जो इनिशिएटिव है वो सबसे बड़ा गवर्नमेंट का होता है। तो हमारा जो मॉडल वो आज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर के मामले में मेजरली हम गवर्नमेंट डिपेंडेंट तो है, इसमें कोई दोहरा नहीं, क्योंकि दूसरे जितने भी छोटे प्लेयर्स हैं या जितने भी इकोसिस्टम के अलग हिस्से हैं जो इस इकोसिस्टम का पार्ट बनेंगे, वो सब भी इनिशिएट तब होते हैं जब आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती है, जब गवर्नमेंट उसमें इनिशिएट लेती है, उसके बगैर कहीं भी कोई काम हो नहीं सकता। एग्जाम्पल अगर आज जम्मू कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हो रहा है या लोग कहते हैं कि हम वहां जाके एस्टेब्लिश करेंगे अपने बिजनेस को, तो वो तभी हो पाएगा जब गवर्नमेंट आपके लिए पहले कुछ काम करेगी, वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक तैयार करेगी। तो अगर गवर्नमेंट की इनिशिएट नहीं लेगी तो बाकी लोग भी नहीं ले पाएंगे। तो इसमें हमेशा आज भी और आज के बाद भी गवर्नमेंट का मेजर रोल रहेगा ही रहेगा। तो आज भी गवर्नमेंट का इस स्टेज पे मेजर रोल है और मैं नहीं, मेरी जैसी कोई भी कंपनी मेजरली डिपेंडेंट उस पे है। बट पैरेलली हाँ, पिछले जब हम मिले थे उससे लेके अब तक हम लोग OEMs के साथ काफी काम कर रहे हैं, इसके अलावा CPO बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत काम कर रहे हैं, प्लस जो लोग इंपोर्ट्स पे डिपेंड हैं हमने उनको भी टैप करना शुरू कर दिया है कि हम आपको इंपोर्ट कॉस्ट उसी प्राइस पे कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी हमने शुरू कर दिया है। तो मेजरली आपको बड़ा चेंज दिखेगा इन टर्म ऑफ रेशियोज, कितना पार्ट अब हम गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं कितना प्राइवेट है, ये आपको बहुत जल्दी दिखेगा। इंटरेस्टिंग। रमन सर, अगर आपको एक नंबर पुटअप करना हो कि अब तक आप ओवरऑल गवर्नमेंट के साथ इतने चार्जर्स का बिजनेस कर सकते हैं, तो वो नंबर क्या होगा, एक बॉल पार्क फिगर? कर सकते हैं मतलब कर चुके हैं अब तक। अगर हम बात करें तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट PSU, मैं सबको एक ही बात मानता हूँ, जितने भी टेंडर बेस्ड या प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो उसमें मेजरली अगर हम बात करें तो लगभग हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट नंबर्स हैं वो करीब 17,000 चार्जर्स के हैं लास्ट मंथ का जो नंबर्स हैं। इसमें लगभग 3,500 प्लस चार्जर्स को सर्वोटेक ने सपोर्ट किया और सर्वोटेक ने मैन्युफैक्चर किया है। परफेक्ट। एक ग्राउंड पे पहले तो जब आप इसको चार्जर्स को गवर्नमेंट को देते हैं राइट, सो क्या मेंटेनेंस भी आपके पास रहता है या? जी, मेंटेनेंस भी हमारे पास रहता है। और बड़ा मजे की बात है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि मेंटेनेंस नाम की चीज पे जितना आप टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर लोगे अपने सिस्टम में, आपके लिए वो सब बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों से भी पीछे ही बात होती थी तो कहते थे कि चार्जर की लाइफ क्या होती है या चार्जर कितना चलेगा, तो अगर मैं एक बात कहूंगा शायद हो सकता है आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं रहती हो, लेकिन आज जब मैं कहूंगा तो शायद आप उसको सोचना शुरू करेंगे। आज कोई भी कंप्यूटर जब हम लेते हैं, डेस्कटॉप या कोई भी इस तरीके का कंप्यूटर, तो उसकी ना जो कंपोनेंट्स हैं उसकी लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। अगर आप याद करें तो अब लाइफ टाइम वारंटी को अगर ढंग से डिस्क्राइब किया जाए तो लाइफ टाइम मानी जाती है 3 साल। ओके। अब हम कहते हैं कि 3 साल की ही लाइफ है क्या इसकी, तो नहीं, लाइफ 3 साल नहीं है, 3 साल में टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो जाती है, आप खुद उसके साथ नहीं रहना चाहते। आज आप देखें कि आपके पास मोबाइल है, आपके घर में LED TV है या इस तरीके की और गैजेट्स हैं, कौन सा ऐसा गैजेट है जो आप कभी रिपेयर करने जाते हो? अब नहीं जाते हम उसके खराब होने से पहले इसको रिप्लेस कर देते हैं। मोबाइल लोग इसलिए रिप्लेस करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, मॉडल नहीं आ गया, इसलिए नहीं बदलते कि वो खराब हो गया, जबकि पहले हम इसलिए बदलते थे कि वो खराब हो गया या वो अक्सर उसका डाउन टाइम बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही EV चार्जर्स में भी जो इसकी लाइफ अभी हम देख पा रहे हैं वो 10 साल देख पा रहे हैं, और मेरा मानना है उससे पहले ही टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो जाएगी, इतना कुछ नहीं आने वाला है। जैसे OCP 2.0 इस पे हम काम कर रहे हैं, तो और इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जिसके आने से बहुत कुछ चेंज होने वाला है इस वर्ल्ड में। तो आपको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट का टारगेट है, आप इतने क्लोजली गवर्नमेंट के साथ आपने काम किया है, बट ऑन द ग्राउंड यू नो 800-900 चार्जर्स लगे हुए हैं वो बंद पड़े हुए हैं, बहुत सारी खामियां हैं, तो आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक का, या 2030 तक की बात ना भी करें तो 2025 तक का ही EV चार्जर्स का, वो पूरा हो पाएगा? और अगर पूरा होगा भी तो क्या वो चार्जर्स ऑपरेशनल रहेंगे? क्योंकि
बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पास में ही, नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली, इवन इफ यू गो टू अ लॉट ऑफ डिफेंस एरियाज जहां पर चार्जर्स लगे हैं, वो तक काम नहीं कर रहे। एक्चुअली क्या है कि एक बड़ी मजे की बात है, मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है, दैट इज मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर। हम जब किसी चीज को फोकस कर लेते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है, बहुत तेजी से इंप्रूव होना शुरू हो जाती है, राइट। और फॉर्चुनेट ये है कि इस टाइम गवर्नमेंट के एक पूरे पार्ट का इसके ऊपर बहुत जबरदस्त फोकस है। तो जब वो फोकस है और आप जब काम करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, बहुत सारे लैक्स भी होते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंप्रूव नहीं होगा। अगर हम बात करें तो आप ध्यान से सोचने की कोशिश करें, हम सिर्फ आज से 5 साल पीछे चले जाते हैं, 6 साल पीछे चले जाते हैं। तो जब लोग घर बनाते थे तो कहते थे नहीं, एलईडी लाइट मुझे नहीं लगवानी, एलईडी लाइट महंगी होती है। आज मैं गारंटी देता हूं कोई ऐसा घर ही नहीं बनता जो ये कहता हूं मैं सीएफएल की बात सोचूंगा। आज बाय डिफॉल्ट ही एलईडी लाइट ही लगती है, करेक्ट। जबकि एलईडी लाइट की ट्यूब, जो ट्यूबलाइट हमारे घरों में 4 फीट की ट्यूबलाइट लगती है, तो एक जमाना था वो ट्यूबलाइट 4,000 रुपए की बिकती थी। आई वॉज अ पर्सन जो कि पार्ट था लेडमा का, एलईडी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का, जिसने वहां पर यह बात बोली थी कि ट्यूबलाइट $1 में बननी चाहिए। तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, रमन जी आपको कैसे लगता है कि 4,000 की ट्यूबलाइट आप कह रहे हो कि 80 रुपए बन जाएगी। आज आप देखें कोई भी ट्यूबलाइट आम आदमी को 100-125 रुपए मिलती है, इसका मतलब आज उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $1 है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि उसको आप कितनी जल्दी ले आते हैं, राइट। तो उसको अचीव करने में टाइम लगा, लेकिन आज एलईडी लाइट इतनी कॉमन हो चुकी है। सेम ऐसा ही है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीजें बहुत तेजी से काम हो रहा है, तो इंप्रूव होगा। तो जो चार्जर्स बंद पड़े हैं, वो चार्जर्स बंद इसलिए नहीं पड़े हैं कि वो खराब है, वो बंद इसलिए पड़े हैं क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, कहीं पर पावर कनेक्शन के इशू हैं कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहां 3 फेज का कनेक्शन ही नहीं है, या वहां पर 30 किलोवाट का चार्जर लग गया है, वहां पर 10 किलोवाट से ज्यादा की पावर नहीं है, या वहां पर पावर कट्स हैं, या वहां पर इंटरनेट के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सबको ठीक करने में सभी लोग लगे हुए, इकोसिस्टम के सब पार्ट बन गए हैं। जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो बहुत तेजी से इस पे काम कर रही हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर काम कर रहा है, राइट। और सभी लोग जब काम कर रहे हैं तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, नो डाउट। इंटरेस्टिंग। अब रमन जी इसका सेकेंड पार्ट, राइट, बिकॉज ये जब ये सब चीजें ग्राउंड पे मान लिया कि हो रही हैं, बट अगर मुकुल को सर्वोटेक से एक चार्जर लेके डिप्लॉय करना है अपने घर पे, फॉर इंस्टेंस, और वो उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है, राइट, और मुकुल के पास चार्जर में पैसा लगाने, चार्जर में पूरा प्रिंसिपल अमाउंट देने के लिए पैसा नहीं है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सब हो रहा है अभी, क्या फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस चार्जर्स को एंड कंज्यूमर्स के लिए जो उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं, या अभी वहां पे बॉटलनेक्स हैं? नहीं, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एज अ कंपनी, यहाँ पर मैं अपने आपके व्यूअर्स को एक बात और बताना चाहूंगा कि हमने इसको क्रैक कर लिया है, और अभी अगर कोई इसको एज अ बिजनेस सोचना चाहता है और वो कहता है कि मेरे पास जगह भी है, राइट, और पावर कनेक्शन भी है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाए और मैं वहाँ चार्जर लगवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सारे फंड नहीं है, यानी कि वो कहता है मेरे पास 10% है, 5% है, 20% है, तो हम उनको ऐसे तरह के फाइनेंशियल ऑप्शंस भी दे सकते हैं या दिलवा सकते हैं, जिससे जितना पैसा वो ऐसा रेवेन्यू जनरेट करेंगे उनमें से पार्ट अमाउंट उस फाइनेंशियल कंपनी को चला जाएगा, दैट इज वन पार्ट। दूसरा, क्योंकि हम सीपीओ बिजनेस में आ गए हैं तो हमारी वो कंपनी भी उनको सपोर्ट करेगी, जिसमें हम उनको अपना एज अ पार्टनर बना लेंगे और प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर भी हम लोग उनके साथ काम कर सकते हैं। तो ये भी हमने कुछ मॉडल क्रिएट किए हैं, तो सभी इस बिजनेस और इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं आसानी से। इंटरेस्टिंग। और क्या, तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि इसमें जो ईवी चार्जर्स में जो फाइनेंस प्रॉब्लम थी वो लगभग दूर हो गई, या अभी हमने तो कम से कम कर ली है। अब इसी को हम चाहते हैं कि हम सब जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इस तरीके की कंपनी हैं, अगर हम सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो शायद इसको बहुत जल्दी क्रैक कर लेंगे। बट क्या ये सबके लिए, बिकॉज सबकी देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी पॉकेट्स इतनी डीप नहीं होंगी, देयर आर स्टार्टअप्स हु आर वर्किंग ऑन चार्जर्स एंड दे हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज टू फंड्स,
तो उसी लिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ यस, हम लोगों ने ऐसा किया है कि जिसके अंदर कुछ फाइनेंशियल कंपनीज हमने अपने साथ जोड़ लिए हैं जो ग्रीन फील्ड में फाइनेंस कर रही हैं स्पेशली ईवी चार्जर्स को। और अगर किसी को जरूरत है तो वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है हमारी वेबसाइट के थ्रू और मेल कर सकता है, हम उसको डायरेक्टली कनेक्ट करा देंगे, हमारी टीम है जो उनकी हेल्प करेगी। परफेक्ट। रमन जी, कंपोनेंट इकोसिस्टम, राइट, अभी कुछ टाइम पहले कुछ यू नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैंडेट्स आए थे ईवी चार्जर मेकर्स को, और आज ही ईवी चार्जिंग जो लॉबी है और जो ईवी चार्जर मेकर्स हैं उनमें से आधे से ज्यादा उसके अगले दिन चाइना में बैठे हुए थे, टू यू वुड नो दैट, राइट, जब वो केस हुआ था। उसके बाद से अब तक कुछ ईवी कंपोनेंट इकोसिस्टम में चेंज आया है, और अभी आपके हिसाब से क्या डिफिकल्टीज हैं कंपोनेंट इकोसिस्टम? डिफिकल्टी नहीं कहूंगा मैं, एक्चुअली क्या है कि ये एक बड़ी ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, और हमारी नहीं, ये शायद ह्यूमन नेचर ही है। अगर हम ध्यान से समझें, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में काम करते हैं, तो एक शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। तो व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट? योर शॉर्ट सर्किट जो होता है वो ये होता है कि जो बिजली है, राइट, वो हमेशा एक छोटा रास्ता ढूंढती है ताकि वो जल्दी जल्दी वहां तक पहुंच सके, करेक्ट। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है का मतलब है उसने एक छोटा रास्ता ढूंढ लिया जिसकी वजह से वो जल्दी पहुंची, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स या करंट का बहाव फ्लो इतना ज्यादा था कि वहां पर आग लग गई, करेक्ट। सेम यही हमारे ह्यूमन नेचर में है, हमें जब भी कुछ चाहिए होता है तो हम उस पर एफर्ट करने के बजाय उसका शॉर्ट सर्किट ढूंढते हैं, शॉर्ट रास्ता ढूंढते हैं, तो हमें शॉर्ट लगता है कि यार चाइना चलते हैं, वहां से बना बनाया मिल जाएगा और भेज देंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने इसी को ब्लॉक किया है थ्रू पीएमपी, फेज्ड मैनर्ड प्रोडक्शन, ठीक है, फेज मैन्युफैक्चरिंग जो प्लान है उसका फेज वाइज, वो उसने इसलिए डाला है ताकि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स काम कर पाए और मैन्युफैक्चरिंग कर पाए और इंडिया में ही सब कुछ डेवलप हो, राइट, और उसके लिए वो सपोर्ट भी कर रही है। अब देखना यह है कि हम अगर शॉर्ट सर्किट पे ही काम करते रहें और वो रास्ते ब्लॉक हो जाएं और हम कहें यार हमारा काम नहीं हो पा रहा और हम रोना शुरू करें तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर हम इस बात को समझ लें और हम अपनी अपनी अगर हम स्वॉट एनालिसिस कर लें और जो हमारी क्वालिटी है हम वो प्रोडक्ट या कंपोनेंट अगर डेवलप करना शुरू कर दें इंडिया में, तो मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तान में बढ़िया प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, और हम हिंदुस्तान को भी और ग्लोब को भी वो प्रोडक्ट दे सकते हैं। और इसका बहुत आसान एग्जांपल देता हूं, जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं वो वेरीफाई कर सकते हैं, आज भी इंडिया का बना हुआ इन्वर्टर, करेक्ट, चाइना मैच नहीं कर पाता, आज भी इंडिया में बना हुआ बल्ब, एलईडी बल्ब, चाइना प्राइस मैच नहीं कर पाता, क्योंकि हमने उसके अंदर एक्सीलेंस ले आए ड्यू टू एनी रीजन, लेकिन वो एनी रीजन की अगर बात करें तो वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ही थे जिसकी वजह से हम चाहे मजबूर हुए चाहे हमने उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, लेकिन हमने उसमें काम किया और काम करने की वजह से आज हम बहुत इकोनॉमिक हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, करेक्ट। ऐसा ही हम इस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर में भी कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। तो अभी ये कंपोनेंट इकोसिस्टम इंडिया में नहीं है, अभी आप अगर आपकी बात करें तो आपको कितना कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ता है और कितना आप इंडिया से सोर्स करते हैं? इसमें सर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके अभी हमारे पास क्या है, हिंदुस्तान के पास ही इलाज नहीं है। जैसे एग्जांपल देते हैं डिस्प्ले, आज हमारे मोबाइल के डिस्प्ले तक इंडिया में अभी तक नहीं बन पाए, करेक्ट, तो जिनके इतने वॉल्यूम है उसके बावजूद भी डिस्प्ले आज भी इम्पोर्ट होता है। तो जो हम ईवी चार्जर बना रहे हैं इसके डिस्प्ले भी अभी नहीं बन पाए हैं, तो इसको बनाना अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है। और दूसरी बात, जब हम चार्जर के मैन्युफैक्चरर हैं तो मैं डिस्प्ले तो कभी भी नहीं बनाऊंगा, मुझे उस पर डिपेंडेंट हूं कि जो डिस्प्ले इंडिया बनाएगा, अब ये कॉल किसी और ने लेनी है, तो मैं वही कह रहा हूं कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो कोई है जो इसको लेगा। ऐसे ही अभी एसी टू डीसी मॉड्यूल्स इंडिया में नहीं बन रहे हैं, अभी गन्स इंडिया में अभी नहीं बन रही हैं, हाँ कुछ लोगों ने शुरू किया है बट उसमें भी अभी क्वालिटी और बहुत सारी चीजें हैं जिनको अभी टाइम लगेगा एस्टेब्लिश करने में। बट ये जो एक्शन है इसके अंदर गन्स का प्रोडक्शन हम इन हाउस शुरू करने जा रहे हैं, एसी टू डीसी मॉड्यूल हम इंडिया में करने जा रहे हैं, अभी हमने आईआईटी रुड़की के साथ टाई अप किया है, अभी ऑनबोर्ड चार्जर्स इंडिया में हम कंप्लीट बनाने जा रहे हैं, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर हम बात करें तो मोर देन 50-60% कॉम्पोनेंट हम इंडिया में इन हाउस कर रहे हैं आज की डेट में।
राइट, लेकिन जैसे चिप्स हैं या और चीजें हैं वो भी अभी इंडिया में नहीं बन रही है, माइक्रो कंट्रोलर इंडिया में नहीं बन रहे हैं, तो इसका कोई इलाज अभी हमारे पास नहीं है, इवन किसी के पास भी नहीं है जब तक वो इको सिस्टम में कोई कॉम्पोनेंट मैनुफेक्चर नहीं आएगा। अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेंशन की, राइट, अगर मैं देखूं तो आप चार्जर बिजनेस में थे, अगर मैं सिर्फ ईवी चार्जर बिजनेस शुरुआत करूं, राइट, आप ईवी चार्जर बिजनेस में थे, आप सीपीओ बिजनेस में भी आ रहे हैं, आप ओईएम के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने कंपोनेंट्स भी बना रहे हैं, तो आई मीन इज दिस गोइंग टू बी अ ट्रेंड के जो कंपनीज हैं वो पूरा इकोसिस्टम प्ले करेंगी, लाइक यू नो यू मेंशन क्या कंपोनेंट्स बनाने वाले, ये बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या बैंडविड्थ है। हम लोगों का जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा सा अलग किया है, और जब से हमने उसको थोड़ा थोड़ा चेंज किया है उससे हमारी ग्रोथ में बहुत तेजी आई है। हमने वर्टिकल सिस्टम में चले गए हैं, दैट मीन हमारे पास हर एक वर्टिकल का एक हेड है जो उस वर्टिकल को एज अ प्रॉफिट सेंटर चलाता है। और अब जैसे हमने इको सिस्टम में सीपीओ बिजनेस लेके आए हैं तो अभी उसके सीईओ की तलाश चल रही है। ओके, तो उसका जब सीईओ आएगा और उसकी टीम आ जाएगी तो वो एक टीम ऐसी होगी जो खुद उस बिजनेस को चलाएगी, दैट मीन हम एज अ इन्वेस्टर रोल प्ले करेंगे। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो आज रिलायंस भी ऐसे ही काम कर रही है, अडानी ग्रुप ऐसे ही काम कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो प्रॉफिट सेंटर्स की तरह अलग अलग हिस्सों को चलाते हैं। तो अगर हम इस तरीके से ग्रिड मैट्रिक्स सिस्टम बना लें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप इकोसिस्टम में भी जा सकते हैं, उससे बियॉन्ड भी जा सकते हैं। बट अगर आप सबको लेके एक साथ चलने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। जस्ट अलाउ मी वन मिनट। ओके, तो अभी ये जो आप कंपोनेंट्स का आपने एमओयू साइन किया है, जो आप बता रहे थे यू नो आईआईटी रुड़की और ये सब, डू यू आल्सो प्लान टू गेट इनटू द बिजनेस ऑफ यू नो सप्लाइंग दीस टू अदर? ऑब्वियसली मैं सर, जब हम बनाएंगे तो हमें मास में जाना पड़ेगा, अगर हम मास में नहीं जाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग में हम चाइना को बीट नहीं कर पाएंगे, और मास में जाने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि जो कंपोनेंट हम बना रहे हैं वो हम दूसरों को भी दें। ये हमें करना ही, तो अभी आप गन्स बनाएंगे एसी टू डीसी मॉड्यूल बना रहे हैं, मेन कंट्रोल कार्ड्स बन रहे हैं, कंप्लीट चार्जर भी हम ओईएम के लिए बना रहे हैं। ओके, वाइट थ्रू वाइट, दिस वुड बी वाइट लेबल कह सकते हैं आप। ओके ओके, तो दी मैंने ये इकोसिस्टम वाला क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा कि मैं जब भी किसी भी एक नए इलेक्ट्रिक प्लेयर को देखता हूँ, राइट, मैं ओला का एग्जाम्पल लेता हूँ। सबसे पहले ओला ने स्कूटर्स बनाने शुरू किए थे, राइट, उनके बिक रहे हैं जैसे भी बिक रहे हैं। अब उन्होंने एक और इकोसिस्टम प्ले अनाउंस कर दिया है कि बाकी सेल वेल मैन्युफैक्चरिंग तो आपको पता ही होगा, बट उनका एक और इकोसिस्टम प्ले भी है कि अब वो जो बाइक टैक्सीज लेके आ रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट यू नो इट्स काइंड ऑफ कंपल्सरी कि वो ओला बाइक टैक्सीज ही चलेंगे। तो एक तरफ वो बना भी रहे हैं, वो सेल भी कर रहे हैं और अपने ही चैनल पे उसको डिप्लॉय भी कर रहे हैं, राइट। एक आपका एग्जाम्पल हो गया जैसे अभी, राइट, आपने ईवी चार्जर से शुरुआत की थी, आप सीपीओ में भी आ गए, अब आप कंपोनेंट्स में भी आ रहे हैं। तो ये चीज क्या नेचुरल होती जा रही है स्पेशली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डोमेन में कि यू नो अगर आपने एक चीज में महारत हासिल कर ली है, इफ आई मे से दैट, तो आप दूसरी चीज को पकड़ें, क्या ये हर किसी के लिए एक नेचुरल एक्सटेंशन होता जा रहा है उनके बिजनेस? इसके अंदर आपको एक बड़ी आसान और बात है और वो ये है कि इसको कहते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। हाँ जी, तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जब हम करने उतरते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैंने हजाम की दुकान खोली, अगर मैंने राइट हेयर ड्रेसर की दुकान खोली, तो सबसे पहले मैं अपनी फैमिली के लोगों के बाल काटने शुरू करूंगा। तो आज अगर ओला ने अपना काम किया है तो वो अपना जो अपने इकोसिस्टम में जहां कंजम्पशन है वहां वो क्यों नहीं बेचेगा? तो सबसे पहले वो वहां बेचना शुरू करेगा कि वहां पर मुझे आज गाड़ी टाटा से या किसी और से क्यों लेनी है, मैं अपने है कोई क्यों अपनी कंजम्पशन में तो उसको यूज करूं। तो उसको करने से एक तो सिस्टम मेरा ये अलाउ करता है कि मेरी प्रोडक्शन लाइन ठीक चलना शुरू हो जाती है, उसको एक बिजनेस मिलना शुरू होता है, करेक्ट, उससे ये ब्रेक इवन पे आ जाता है मेरा बिजनेस। अब जो मैं बाकी बेचूंगा वो मुझे प्रॉफिट देगा। सेम ऐसा ही हमारा है कि हमने देखा कि सीपीओ बिजनेस अगर हम करते हैं तो आज सीपीओ को जिस कॉस्ट पे कोई चार्जर मिलता है हमारी कॉस्ट उससे 50-60% है। तो इसका मतलब अगर किसी को कोई सिस्टम लगाने में या कहीं पर भी 25 लाख रुपए लगता है तो वहां पर मेरे को 15-16 लाख रुपए लगता है। तो मैं पहले दिन ही दूसरे से कॉस्ट कॉम्पिटेटिव हूं फर्स्ट डे से ही, अंडरस्टैंड, तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए?
तो इसका मतलब अगर आरओआई किसी का 5 साल है तो मेरा आरओआई बाय डिफॉल्ट 3 साल हो गया, तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? तो मैं तो पहले ही उसके उससे बिजनेस में एक्सीलेंस आ गई डे वन में, तो मेरे पे इन्वेस्टर पैसा क्यों नहीं लगाएगा? अगर मैं ये कहूंगा कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा एट पार हूं, तो भी उसको मेरे साथ रिटर्न जल्दी आने वाली है, क्योंकि मैं उस बिजनेस के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं उसके अंदर और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करता हूं तो मैं इसकी कॉस्ट और नीचे लाने वाला हूं उस कंपोनेंट्स की, तो अगर मैं नीचे लाने वाला हूं तो मतलब है वो बिजनेस और ज्यादा जल्दी आरओआई ले आएगा। तो ये सारे एक दूसरे से अगर हो रहे हैं तो इस इकोसिस्टम में हम तो ये बिल्कुल कहते हैं कि जिन लोग जो कंपोनेंट बना रहे हैं, जो इस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, या तो एज अ बिजनेस हमें ज्वाइन कर जाएं, एज अ इन्वेस्टर ज्वाइन कर जाएं, एज अ एसोसिएट ज्वाइन कर जाएं, हम पूरी तरह से खुले हुए हैं, हमारा बिल्कुल ये इंटरेस्ट नहीं है कि हम अकेले चलना चाहते हैं। हम कहते हैं कि इस इकोसिस्टम में पूरे भारत को एक समझो, कॉम्प्लीमेंट करो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करो, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन मत करो। कॉम्पिटिशन करना है तो इंडिया वर्सेज चाइना करो, इंडिया वर्सेज ग्लोब करो, दिल्ली वर्सेज एनसीआर, दिल्ली वर्सेज नोएडा, दिल्ली वर्सेज यूपी मत करो, या एक कंपनी वर्सेज दूसरी कंपनी मत करो। मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं साथ लगने के लिए तैयार हूं, बिना किसी कॉस्ट के टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, मैं हर तरीके से तैयार हूं, बट चाहता एक ही हूं कि हम हिंदुस्तान में बढ़िया प्रोडक्ट बना के दुनिया को दे पाए। 4 पेटेंट ऑलरेडी फाइल कर चुका हूं और 8 पेटेंट और आ रहे हैं जो फाइल करने जा रहे हैं हम इसके अंदर, यूटिलिटी पेटेंट, काफी सारे काम हम अलग अलग OEMs के साथ कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करते हैं, जैसे अभी आप पॉइंट आउट कर रहे थे, तो कौन सी ऐसी मार्केट्स ऐसी हैं जिसको आप इमीडिएट मार्केट देखते हैं इंडिया में बने प्रोडक्ट्स के लिए, जहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है? सर बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी है। 55 से ज्यादा कंट्रीज ऐसी हैं इस टाइम जो जिसका लेवल इंडिया से बहुत नीचे है, करेक्ट, और उन कंट्रीज में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट जवान हो रही है। वो आज चाइना का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, हम उसके अंदर बड़ी आसानी से एंटर कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, हमारी कॉस्ट, हम कॉस्ट इफेक्टिव हैं और वहां पर एक्सेप्टेबिलिटी है हमारी, तो बहुत आसानी से हम नाम कर सकते हैं वहां पर। इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा आपके सीपीओ बिजनेस की तरफ वापस आते हैं। ये अब जैसे HPCL, IOCL, ये जितनी भी ऑयल कॉर्पोरेशंस हैं, देयर आर र्यूमर्स के ये लोग बैटरी स्वैप प्रोवाइडर्स और ईवी चार्जर मेकिंग कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं, और आई थिंक धीरे धीरे ये हो जाएगा कि HPCL के पेट्रोल पंप पे सिर्फ एक ही CPO के या कंपनी के चार्जर्स लगेंगे और एक ही कंपनी के बैटरी स्वैप स्टेशंस लगेंगे। क्या इसके बाद CPO बिजनेस में जगह रह जाएगी और आप जैसे प्लेयर्स के लिए, अगर फॉर इंस्टेंस आप को ये थोड़ा सा मिथ है कि एक ही कंपनी के साथ वो लोग काम करेंगे या उसको एक्वायर कर लेंगे, ये दोनों ही, मेरा मानना है कि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट करेक्ट, बिकॉज ये जितनी कंपनीज के आपने नाम लिए ये सब PSUs हैं, इनमें गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, तो गवर्नमेंट CCA पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है, कंपटीशन कंप्लायंस को वो देखती है कि वो कंपीट करते हुए कभी भी एक को मौका नहीं देगी, राइट, तो फेयर कंपटीशन हमेशा बना रहेगा। आपको सिर्फ मार्केट के अंदर अपना शेयर बनाना है। एक बहुत पुरानी बात आपसे शेयर करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, शायद कभी मौका नहीं आया ये बात को कहने का, लेकिन आज आपने मौका दिया है और बाय चांस वो बात मुझे याद आ गई। बहुत पुरानी बात है, ये बात है शायद 2003 की। एक टाइम ऐसा आया था कि हमें ऐसा लगा था कि अब हम बिजनेस में रह नहीं पाएंगे और हम बिजनेस से बाहर हो जाएंगे, तो मुझे लगा था कि अगर हम बिजनेस से बाहर हो जाएंगे तो मुझे कहीं नौकरी करनी चाहिए, तो आई वॉज अ पर्सन जो नौकरी ढूंढने गया था, और मैंने एक इंटरव्यू दिया, और जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया, और मुझे उन्होंने कहा जी आप ज्वाइन कर जाओ, कब से करेंगे? मैंने कहा कल सुबह से, तो कहते जी ठीक है। तो वहां पर मैंने, क्योंकि वो उस टाइम ब्रांड थे बहुत बड़े, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर मुझे बताओ कि मैं आज, क्योंकि मेरी सेम इंडस्ट्री थी भाई, वो ब्रांड थे, मैं बहुत छोटा सा था, तो मुझे लगा मेरा काम है नहीं, तो मैंने बंद कर दिया, या ये सोचा कि मेरा बंद हो जाएगा तो मैं नौकरी ढूंढ लेता हूँ, तो लेकिन क्योंकि दोनों इंडस्ट्री तो सेम थी, तो यही सवाल उनसे था, जिस सवाल की वजह से मैं उनके पास गया था।
तो मैंने उनको कहा कि सर यहाँ पर कुछ ऐसे ब्रांड और हैं जो इतनी तेजी से काम कर रहे हैं और वो मार्केट के अंदर जगह ही नहीं छोड़ी है उन्होंने, और उन्होंने प्राइस भी इतने गिरा दिए हैं, तो हम उनसे कम्पीट कैसे करेंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो आप बताओ कैसे करोगे। तो उन्होंने मुझे इसका जवाब दिया, और वो मुझे उसने जो जवाब दिया वही जवाब यहाँ मैं रिपीट करना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा, उस जमाने में अगर आपको याद हो तो बिनाका नाम की एक पेस्ट आया करती थी, एक ब्रश आया करता था जो बाद में सिबाका हो गया था, बिनाका से वो सिबाका हो गया था, बाद में फिर पेप्सोडेंट वगैरह और आ गए, करेक्ट। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, उन्होंने कहा कि दुनिया में आज तक यूनिवर्सली ये रूल है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक ब्रांड की मोनोपोली हो पाई हो। अगर कहीं कोक बिकता है तो कहीं पेप्सी बिकता है, कहीं थम्सअप बिकता है तो कहीं कैंपा बिकता है, कहीं बिनाका बिकता है तो कहीं सिबाका बिकता है, राइट। तो आपको सिर्फ उस जगह पर, उस पूरी की पूरी मार्केट में अपनी जगह बनानी है और दूसरे का शेयर खाना है। वो आप कितनी खूबसूरती से कर पाते हैं, यही आपकी काबिलियत होगी और यही बिजनेस में बने रहने का मूल मंत्र है। जब उन्होंने बताया तो मैंने उनको कहा था कि मैं इसी सवाल के लिए आया था और मुझे लगता है मुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए, बात मेरे समझ में आ गई और मैंने आज तक नौकरी नहीं की। बट मैं ये बात आपके व्यूअर्स को इसलिए बताना चाहता हूँ, हमें इस मार्केट में जगह बनानी है और काम करना है मिलके, राइट। और मार्केट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी मार्केट है कि आप ये समझ लें कि एक आप बॉम्बे में खड़े हैं और बहुत तेज बरसात हो रही है और आपने सर पे एक घड़ा रखा और आप घर से बाहर आ गए, घड़ा अपने आप भर जाएगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है। तो सेल्स आपके लिए चैलेंज नहीं है, चैलेंज है आपके लिए क्वालिटी, चैलेंज है आपके लिए बढ़िया सर्विस, चैलेंज आपके पास कुछ और है। दूसरा है आपको शॉर्ट लिस्ट करके कि मैं बढ़िया क्या दे सकता हूँ उस पर काम करें, बजाय इसके कि मैं सब कुछ कर लूं। और हम जो बढ़िया कर सकते हैं वो हम किसी दूसरे को भी दें। तो अगर हम ऐसा कॉम्प्लीमेंट करके एक इकोसिस्टम क्रिएट कर लें तो एज अ वर्ल्ड, एज अ इंडिया, हम वर्ल्ड के लिए एक मिसाल बन जाएंगे ईवी और ईवी चार्जर सिस्टम इकोसिस्टम। इंटरेस्टिंग। और ये सेम चीज डज इट होल्ड ट्रू फॉर द कंपोनेंट बिजनेस एज वेल जो आप करने जा रहे हैं? सर ये तो बड़ा बेसिक रूल है, यूट्यूब को देखें, गूगल को देखें, सर ये तो सब यही लेके चल रहे हैं। इकोसिस्टम ही तो है, यूट्यूब पे कौन पैसा देख के देता है? उससे पहले तो हम वीडियो पिक्चर सारी लेके आया करते थे, मुझे आज तक याद है किराया भी लाया करते थे या फिल्म देखने जाते थे। आज यूट्यूब इतना आसान कर दिया उसने, उसको देखा देखी मजबूर हो गया, इंस्टाग्राम भी और फेसबुक भी, उसको भी अपने यहाँ पर रील्स चालू करनी पड़ी, वीडियो चालू करनी पड़ी। तो इकोसिस्टम है ना, और उसके बाद जो इस पे बढ़िया कंटेंट डाल रहा है उसको पैसे भी देता है, तो दैट इज इकोसिस्टम। तो पैसा इधर बाय प्रोडक्ट अपने आप आएगा, बशर्ते आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो अगर अब हम आज से 5 साल बाद का सर्वोटेक देखें, स्पेशली विद ईवी चार्जर्स माइनस द सीपीओ बिजनेस, राइट, तो आप ज्यादा से ज्यादा चार्जर्स कहाँ डिप्लॉय कर रहे होंगे? गवर्नमेंट में, ओईएम्स के साथ, फ्लीट ऑपरेटर्स के साथ, लॉजिस्टिक प्लेयर्स के साथ, कहाँ पे ज्यादा आपके चार्जर्स मिले आपके ब्रांडेड? नॉट कहना चाहता हूँ कि जहां पर भी गुंजाइश होगी वहां सर्वोटेक जरूर होगा, ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज डिमांड किस तरीके से बढ़ेगी, कौन कितना बड़ा इनिशिएटिव लेगा, कौन इस इकोसिस्टम में कितना बड़ा पार्ट संभालेगा, जो जितना बड़ा पार्ट संभालेगा उसमें हम उतना बढ़ के आगे काम करेंगे, राइट। बट इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर चार्जर्स की अगर बात होगी तो टॉप 2-3 ब्रांड्स के नाम के अंदर सर्वोटेक का नाम लेना पड़ेगा, इसकी गारंटी देता हूं, इसके लिए काम करूं, बाकी जो परमात्मा को मंजूर। हम अपनी तरफ से ये कोशिश है कि अगर हिंदुस्तान में कोई ईवी चार्जर्स की बात करेगा तो उसको सर्वोटेक की याद जरूर है, हमारे बगैर वो चार्जर यूज नहीं कर पाएगा। नहीं, बट आपको नहीं लगता कि 5-6 साल या 2-6-7 साल में गवर्नमेंट का जो कोटा है ईवी चार्जर्स का या गवर्नमेंट का जो रोल है वो एक बार टिपिंग पॉइंट आ गया तो वो खत्म हो जाएगा, फिर प्राइवेट और ओईएम की तरफ ही आपको जाना पड़ेगा? हाँ, वो दोनों, हम तो सब पे काम कर रहे हैं ना। मैंने आपको पहले एक बात बोली, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, मैंने कहा कि जिसका भी जो रोल होगा, जो जितना बड़ा इकोसिस्टम का पार्ट बनेगा, मुझे तो चार्जर देने ना, जिसकी रिक्वायरमेंट है वहां मैं होऊंगा, तो ये मेरे लिए मैटर नहीं करता कि वो गवर्नमेंट ले रही है या प्राइवेट ले रही है। मैं कोई बायस तो हूं ही नहीं कि मुझे इन्हीं को देना इनको नहीं देना, मैं बेस्ट प्रोडक्ट दे रहा हूँ, बेस्ट प्राइस पे दे रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट कस्टमर मुझसे क्यों नहीं लेगा? आज एप्पल फोन या एप्पल के प्रोडक्ट बेचते हुए वो कस्टमर कहाँ दिख रहा है? वो तो एक ही बात दिख रहा है ना कि मुझे उसने कस्टमर टारगेट कर लिया कि उस कस्टमर को क्या चाहिए। आज कस्टमर को चाहिए कि एक ऐसा इकोसिस्टम, यूजर फ्रेंडली, राइट, और एस्पिरेशनल वैल्यू, उसने कुछ चीजें पकड़ ली, अब वो उस पर काम कर रहा है, कस्टमर अपने आप आ रहा है ना।
उसका मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है। तो सेम परफेक्ट। तो रमन जी अभी आपका फोकस मेन अब कंपोनेंट बिजनेस की तरफ जाएगा क्योंकि वो नई एंटिटी है, टू फाइंड न्यू पार्टनर्स फॉर। सर वो बैकग्राउंड आप फिर समझें मेरी बात, दैट इज अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं है कि मैं कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर बन रहा हूँ, मैं कंपोनेंट मैन्युफैक्चर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करना मेरी जरूरी मेरे लिए जरूरत है पीएमपी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर मेरे साथ आगे जुड़ जाता है जो मुझसे बढ़िया प्रोडक्ट मेरे से कम कॉस्ट पे देता है तो मैं अपनी टेक्नोलॉजी उसे शेयर करूंगा, ठीक है तू बना, मुझे क्यों बनाना है। हमें मिलकर इकोसिस्टम बनाना है, इस बात की जिद नहीं है कि सब कुछ मैं ही करूंगा। मेरी जिद यह है कि हमें हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है, सर्वोटेक को या सर रमन भाटिया को नहीं। थॉट प्रोसेस बड़ा क्लियर है, मुझे मिलके चलना है, सबको साथ लेके चलना है। तो आप जो चार्जर्स अभी डिप्लॉय कर रहे हैं आपके सीपीओ बिजनेस से और आपके ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग बिजनेस से, आपको क्या लगता है कि जो फोर व्हीलर्स का अडॉप्शन टारगेट है जी, वो कंप्लीट हो जाएगा 2030 तक जो गवर्नमेंट ने रखा है? क्योंकि आप तो चार्जर्स देख रहे हैं तो स्पेसिफिक टारगेट तो बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। लेकिन होता क्या है कि एक डोमिनोज इफेक्ट है, एक शब्द मुझे लगता है आप भी जानते होंगे डोमिनोज इफेक्ट को। अगर हम देखें तो होता क्या है कि इनिशियली हमें सब कुछ बहुत स्लो दिखता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उसका एक मोमेंटम बनता है तो वो इतना बड़ा हो जाता है कि हम सोच भी नहीं पाते। ये हमारी इन्वेस्टमेंट में ही बनता है, हमारी सेविंग्स में ही बनता है, राइट, और बिजनेस में ही बनता है, हर जगह काम करता है, हर जगह काम करता है। तो डोमिनेंस इफेक्ट आएगा ही आएगा। ओके परफेक्ट। एंड अभी आपका जो पर्टिकुलर ईवी चार्जर बिजनेस है, इज इट मोर अलाइन टुवर्ड्स टू व्हीलर थ्री व्हीलर्स और इज इट मोर अलाइन टुवर्ड्स फोर व्हीलर्स? और इफ आई मिस अलाइन विद द फोर व्हीलर्स एंड बस ट्रक्स। तो ये आपने जो अब तक 3,500 चार्जर जो you have sold, ये majority more than that, you have asked 3,500 with the government projects I'm talking. Government, yeah, perfect. And these are all fast chargers. So these 3,500 are all fast chargers for. We are talking about fast chargers. I'm not talking about AC chargers. If we are talking about AC chargers also, then it could be more than 10,000 or even more than that. ओके okay. और आपकी पाइपलाइन भी अभी यही है गवर्नमेंट के साथ की फोर व्हीलर्स और बसेस के ही चार्जर्स अबाउट और डिप्लॉय करेंगे? ऑब्वियसली नहीं, एसी चार्जर्स भी कर रहे हैं हम लोग। अभी हमने रिसेंटली एक ऑर्डर क्रैक किया है, वी आर जस्ट गोइंग टू शेयर ऑनलाइन विद इन अ डे। इट इज आल्सो अ बिग ऑर्डर बट इट इज एसी चार्जर, स्मॉल चार्जर्स फॉर अ टू व्हीलर थ्री व्हीलर्स। वी विल जस्ट शेयर विद इन अ डे, इवन आई विल ट्राई इफ इट इज पॉसिबल वी विल शेयर इट टुडे। ठीक है रोहन सर, एक बार थोड़ा सा और फाइनेंस के ऊपर बात कर लेते हैं, लास्ट 5 मिनट्स बचे हैं। आपने मुझे एक मॉडल बताया था कि जो आपने क्रैक कर लिया है, राइट, तो इसमें कोई ईएमआई होती है जो एक? दो तीन तरीके हैं, देखो किसी भी बिजनेस को करने के दो, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो दो ही होती है, या तो होता है डेट या होता है इक्विटी। करेक्ट है, डेट का मतलब है कि आप कोई पैसा लेंगे और आप उसके ऊपर इंटरेस्ट सर्व करेंगे और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट देंगे, दैट इज नंबर 1। दूसरा होता है इक्विटी, इक्विटी का मतलब है कि किसने आपके साथ पैसा लगा दिया और वो आपके प्रॉफिट में शेयरिंग बन गई इसकी। दो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अब जब हम डेट की बात करते हैं तो डेट में भी फिर दो तीन मॉडल आ जाते हैं। पहला मॉडल होता है कि मैंने डेट तो ले लिया, मैं उसके हर महीने इंटरेस्ट भी सर्व करूंगा, साथ में प्रिंसिपल भी उतारूंगा। करेक्ट। और दूसरा मॉडल होता है कि मैं इनिशियली सिर्फ इंटरेस्ट दूंगा लेकिन जो प्रिंसिपल है वो कुछ टाइम के बाद उतारूंगा जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, अभी मैं कैपिटल नहीं उतार रहा। ये एग्जिस्ट करता है बैंकिंग में और सब जगह ये मॉडल ही चलते हैं। और इक्विटी में होता है कि मैं अभी जो है प्रॉफिट शेयरिंग करूंगा, एक दिन आएगा जब मैं इक्विटी भी उतार दूंगा लेकिन वो इक्विटी के ऊपर भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ये भी पॉसिबल है। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग होती रहेगी बट जब इक्विटी है, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको इक्विटी का मल्टीफोल्ड करके आपको दे दूंगा। करेक्ट। और उस दिन कोई और आ जाएगा, आप चले जाओगे। तो इक्विटी में भी ये दो मॉडल हो गए, इधर भी मैंने दो मॉडल मोटा मोटी बता दिए। ये चारों तरीके अवेलेबल हैं, इसमें से कोई भी इंसान कोई भी चुन सकता है, हम उसमें सपोर्ट करते हैं। ओके, बट रमन सर जब मैं ईवी ओईएम से बात करता हूँ, राइट, अभी स्पेशली क्योंकि कमर्शियल साइड पे ईवीज का डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल साइड, राइट, और कमर्शियल साइड पे फाइनेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट,
right? I mean, financiers are not ready to finance commercial electric vehicles. अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही फाइनेंस नहीं होंगे, डिप्लॉय नहीं होंगे, तो क्या आपको लगता है कि मेरे को तो नहीं लगता सर कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को फाइनेंस करने में इशू है, ये तो मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल के फाइनेंस में उल्टा फाइनेंस कॉस्ट कम है सर। नहीं सर, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं कमर्शियल की बात कर रहा हूँ। अभी कई इंटरव्यूज हम लोगों ने, स्पेशली आप ऑल्टी ग्रीन का एपिसोड भी देखेंगे पहला, तो अमिताभ सारंग ने तो बहुत क्लियर बोला है कि फाइनेंस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कल में एक बहुत बड़ी फाइनेंस, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सवाल के मामले में मेरी नॉलेज थोड़ी कम है, तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, शायद मुझे पता नहीं है ज्यादा, लेकिन यस मेरा क्वेश्चन जरूर समझूंगा, बट मेरी कॉमन सेंस के आगे आपने एक सवाल मुझे जरूर दे दिया जिसको मैं जरूर समझूंगा, और एक बार अंडरस्टैंड करने के बाद इस पे कोई कमेंट कर पाऊंगा। आज तो नहीं बोल पाऊंगा कुछ, क्योंकि आपने बोला है, क्योंकि आपकी बहुतों से बात हुई है, मेरी नहीं हुई है, तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बार इसको और समझना चाहूंगा, व्हीकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे को नहीं क्लियरिटी थी, मैं जरूर देखता हूं। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अमन सर, एक क्वेश्चन है कस्टमर का, बहुत क्लियरली पूछ रहे हैं, हेलो सर, हाउ टू स्टार्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस इन भोपाल, तो अगर आप बताना चाहें उनको। हाँ, ये मिस्टर स्वास्तिक जैन, मैंने आपका सवाल पढ़ लिया। ईवी चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस आप भोपाल में शुरू करना चाहते हैं, तो सवाल वही है, आप के पास कोई ऐसी साइट है जिसको आपने आइडेंटिफाई कर रखा हो, वो साइट आपके पास है, क्या आप वहाँ पर पावर कनेक्शन अवेलेबल करा सकते हैं, और अगर आप करा सकते हैं तो आपको क्या सपोर्ट चाहिए, आपको चार्जर चाहिए, आपको चार्जर की मेंटेनेंस में कोई सपोर्ट चाहिए, सॉफ्टवेयर में कोई सपोर्ट चाहिए, या ओवरऑल सिस्टम में कोई सपोर्ट चाहिए, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से, हम आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। परफेक्ट, थैंक यू रमन सर। लास्ट दो मिनट, एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू शेयर, इट हैज बीन अ वेरी गुड यू नो एपिसोड टॉकिंग टू यू, अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड अंडरस्टैंडिंग कि आप किस तरफ जा रहे हैं। फॉर्चूनेटली आज जो इंटरव्यू रखा गया है, आज मेरा बर्थडे भी है, और हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। और मैं इस पे एक ही बात कहना चाहता हूँ जो मेरे दिल से है, वो ये है कि मैंने आज तक जीवन में जो भी मैनिफेस्ट किया है या जो भी सोचा है, वो भगवान ने मुझे दिया है, ये कृपा है उसकी। और मैं ही चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म पे बात करते हुए इन दो मिनटों में यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स मेरी बात को सुन रहे हैं या इसको बाद में भी सुनेंगे, मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और ये अपॉर्चुनिटी भी देना चाहता हूँ। खैर, अपॉर्चुनिटी देने वाला मैं कौन होता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ और हम उस पर कुछ सोच पाएँ और कर पाएँ, तो हम मिलके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक बड़ा इकोसिस्टम खड़ा करते हैं जहाँ पर हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर इस इंडस्ट्री को दे पाएँ और मिलके ग्रो कर पाएँ और दुनिया को हम बढ़िया प्रोडक्ट दे पाएँ, ऐसी चाहत है। और इस सब के लिए मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे अगर जुड़ पाएं तो जुड़ें। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपना टेलीग्राम आईडी यहाँ शेयर कर देता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। मेरी टेलीग्राम आईडी है सर्वोटेक इंडिया, SERVOTECH इंडिया। आप इस पे मुझसे कनेक्ट करें और हम कोशिश करें कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम इस दुनिया को, हिंदुस्तान को दे पाएं जिसमें हम बढ़िया प्रोडक्ट बना पाएं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर पाएं और सबको सर्व कर पाए, यही मैं कहना चाहता हूँ। यही मेरी दुआ है भगवान से कि हम ऐसा कर पाएंगे और जो लोग सुन रहे हैं वो मेरी बात को समझ पाएंगे और हम एक दूसरे से जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। परफेक्ट सर, आप ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरर्स को ये मैसेज दे रहे हैं, ओईएम्स को भी या व्हीकल ओईएम्स को? जी, ओईएम्स को भी। अगर यहाँ पर जो ओईएम्स हैं अगर वो भी मुझे सुन रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम चाइना के मुकाबले काफी कॉम्पिटिटिव हैं इन टर्म ऑफ क्वालिटी, इन टर्म ऑफ प्राइस। यू प्लीज कनेक्ट विद अस डायरेक्टली, वी विल सपोर्ट यू इन अ वाइट लेबल आल्सो। परफेक्ट, थैंक यू रमन सर फॉर जॉइनिंग अस। आई थिंक द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम मी फॉर हियर एंड फॉर आई थिंक फॉर द ऑडियंस इज ऑडियंस एज वेल इज दैट देयर आर एटलीस्ट 55 कंट्रीज व्हिच आर स्टिल यूजिंग प्रोडक्ट्स व्हिच आर बिलो इंडियन स्टैंडर्ड्स, एंड दोस 55 कंट्रीज can be or are already a very big market for Indian products. Ji, bilkul. So apart from India, there's a business opportunity that's coming, knocking on our doors from 55 different countries. Bilkul. On that note, this is Mukul Yudhvir Singh signing off from the
fifth episode of Moves Ecosystem Dialogues. Thank you very much. Thank you. Bye-bye.